रतन देखो आज पेड़ पर कितनी सारी चिड़िया बैठी हैं। हाँ दीदी बहुत सारी, इनकी आवाज भी कितनी अच्छी है, ची ची चू चू है ना। हाँ रतन तुम्हें पता है कल मेरी दीदी ने स्कूल में चिड़िया रानी की कविता सुनाई थी और सब बच्चों को याद भी कराई थी। अरे बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वैशाली कल जो मैंने तुम्हें कविता याद कराई थी वो कविता तुम्हें याद है ना? हाँ दीदी। ये कविताएं क्या होती है मुझे ये बताओ, मैं भी याद करूंगा। अच्छा बताती हूँ, देखो अभी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर तुम सब समझ जाओगे कि कविता क्या होती है, कैसी होती है। दीदी अगर ये चिड़िया हमारे साथ रहती तो कितना अच्छा होता। सच मेरा भी जी चाहता है कि ये सारी चिड़िया मेरी सहेलियां बन जाएं और मैं भी इनके साथ नाचूं कूदूं और जैसे ये आकाश में उड़ती हैं मैं भी देखूं कि आकाश में क्या होता है। दीदी ये सहेलिया क्या होता है? देखो राकेश और मोहन आ रहे हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आज खेलने नहीं गए? नहीं आज हम लोग कविता के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग खेलने नहीं गए। अच्छा रतन बताओ राकेश और मोहन तुम्हारे क्या है? ये तो मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ स्कूल जाता हूँ और खेलता भी हूँ। हाँ ठीक इसी तरह, जिस तरह से ये तुम्हारे दोस्त हैं दोस्त सहेलियाँ भी होती हैं, ठीक है? दोस्त को हम सखी भी कहते हैं, जिनके साथ हम पढ़ते हैं खेलते हैं वो सब दोस्त हमारी सहेलियाँ और सखी होती हैं। दीदी देखिए पेड़ पर चिड़िया कैसे फुदक रही हैं। दीदी दीदी ये फुदकना क्या होता है? देखो बताती हूँ, उछल उछल कर चलने को ही हम फुदकना कहते हैं। तुमने मेंढक देखा है? हाँ दीदी। वो कैसे उछलता है, ठीक है? जैसे वो उछलता है जिस तरह से, उसी तरह से उछल उछल कर चलने को हम फुदकना कहते हैं। हाँ दीदी, समझ गए। हम भी समझ गए दीदी। दीदी कविता सुनाओ ना, देखो चिड़िया कैसे फुदक रही है। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी कविता सुनाती हूँ, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, सुनो। चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ बिखरे दाने चुन चुन खाओ, फुदक फुदक तुम नाचो कूदो प्यास लगे तो पानी पी लो, सखी सहेली तुम बन जाओ साथ रहो तुम गीत सुनाओ, मुझको भी उड़ना सिखलाओ तुम तो हो जानी पहचानी, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी। वाह दीदी आपने क्या कविता सुनाई है। दीदी ये बिखरे दाने क्या होता है? बताती हूँ, देखो इधर उधर पड़े दानों को बिखरे दाने कहते हैं, समझ में आया तुम लोगों के? हाँ दीदी।